Radio. You are listening. Radio U, a flavor of life. www.radioudaan.com. अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो इंस्पिरेशनल विंग सीजन 5। तो आज इस एपिसोड 11 में हमारी थीम रहेगी दोस्तों, डिसीजन मेकिंग या चॉइस करना। मतलब कि या तो डिसीजन लेना या फिर अपनी चॉइस बताना कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करूंगा। तो डिसीजन मेकिंग एक ऐसी चीज है, निर्णय लेना एक ऐसी चीज है जो बहुत लोग नहीं कर पाते, कतराते हैं या फिर उनसे हो ही नहीं पाता। तो डिसीजन मेकिंग या चॉइस मेकिंग, ये है आज की हमारी थीम। तो द मोटिव ऑफ दिस शो इंस्पिरेशनल विंग्स इज टू मेक यू फील अप एंथुसियास्टिक एंड पॉजिटिव। आपकी जिंदगी से नेगेटिविटी निकालना ही मकसद है इंस्पिरेशनल विंग्स का। तो अब आज के इस एपिसोड में बात करेंगे हम डिसीजन मेकिंग की। अगर आप जुड़ना चाहते हैं एक साथ हमारे साथ, रेडियो उड़ान है हमारा स्काइप आईडी RADIO UDAAN। तो चलिए फिर जल्दी से शुरुआत करते हैं इस इंस्पिरेशनल राइड की। स्टे ट्यून, स्टे पॉजिटिव, हैप्पी लिसनिंग। अगर एक नुक्कड़ पर चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। अगर एक कचरा उठाने वाला इंसान दुनिया के बेस्ट क्रिकेटर्स के लिस्ट में आ सकता है तो मैं क्यों नहीं। सोच है, आपने सोच में किसको पकड़ा है। आपके माइंड में कुछ आएगा तभी तो वो चीज होगी। अगर माइंड में हिमालय नाम का पहाड़ होगा तभी तो उस पर चढ़ोगे। माइंड में हिमालय है ही नहीं तो कैसे चढ़ोगे। सोच का दायरा बदलो, जिंदगी जीने के मायने बदलो। कब तक ऐसे रोतलों के गड्ढे में गिरोगे, हर कल में आज की बुलंदी को छू लो। लोग क्या कहते हैं ये अगर हम सोचने बैठ जाएंगे तो आप कितने क्रिएटिव हैं ये किसको दिखाएंगे। तो ऐसे चुपचाप न बैठ, उठ खड़े हो और चल मेरे साथ सक्सेस के एक नई कहानी बनाने इंस्पिरेशनल विंग सीजन 5 में एवरी ट्यूजडे 9 to 10 PM और इसका रिपीट ब्रॉडकास्ट होगा हर बुधवार शाम 4 to 5 PM RJ दिव्या के साथ। कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल 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 दंगल। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 11th एपिसोड ऑफ सीजन 5 ऑफ इंस्पिरेशनल विंग्स। तो दोस्तों, आज की हमारी जो थीम है वो है डिसीजन मेकिंग, चॉइस लेना। तो दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कतराते हैं, हम डिसीजन नहीं लेते, हम बिल्कुल चॉइस नहीं लेते। तो इट इज टाइम डेट यू मेक डिसीजंस। तो चलिए, आज की जो हमारी कहानी है, मॉरल स्टोरी है, वो भी होगी इसी थीम से रिलेटेड। होगी ये कहानी हिंदी में, तो बने रहिए, सुनते रहिए, हैप्पी लिसनिंग। तो दोस्तों, एक बार की बात है कि एक राजा होते हैं और वो कहीं बाहर जाते हैं शहर में, मतलब वो शहर जो है वो अब्रॉड में होता है। तो वहाँ वो एक जगह होते हैं, वहाँ पे उन्हें एक गिफ्ट देता है उनका एक दोस्त, और गिफ्ट में वो देता है 2 कबूतर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 2 कबूतर वो इंसान इन्हें गिफ्ट में देता है। और ये ठीक है, ये वापिस आते हैं, और जब ये वापिस आके अपने जिस एरिया में जहाँ इनका महल है वहाँ आते हैं, तो ये कहते हैं वहाँ के नौकरों को कि इन 2 कबूतरों को बड़े आराम से प्यार से उस वाली जगह पे रख दीजिए। मतलब एक जगह बनी होती है, वहाँ पे इनके लिए जगह बिल्कुल प्रोवाइड की जाए, बिल्कुल उनका ध्यान रखा जाए, और एक ट्रेनर को भी बुलाया जाए जो इन्हें सिखाए उड़ना और अदरवाइज। तो ठीक है, ये काम शुरू होता है, 15-20 दिन निकल जाते हैं। और उसके बाद एक दिन क्या होता है, वो राजा को याद आता है कि अरे चलो मैं देखता हूँ कि ट्रेनर कैसा सिखा रहा है कबूतरों को। तो वो जाता है और कहता है कि ट्रेनर को कहता है कि तो बताओ भाई कबूतर कैसे कर रहे हैं ये। तो वो कहता है सरदार जो ये कबूतर हैं ये अच्छे हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं, सेहत अच्छी है, एक तो बहुत ऊंचा उड़ने भी लगा है, पर जो दूसरा है वो एक डाल पे बैठा रहता है, वो उड़ता भी नहीं है, ना ही कुछ जोश दिखाता है, ना ही कोशिश करता है, बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता है। तो ठीक है, जो वो राजा है वो कहता है अरे ये तो गड़बड़ की चीज है, ये तो बात बनती नहीं है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो ठीक है, वो बैठक बुलाता है और कहता है कि ठीक है और जितने भी ट्रेनर्स हैं और 15-16 ट्रेनर्स को लाया जाए। तो ठीक है, एक महीना निकलता है, अलग अलग ट्रेनर्स कोशिश करते हैं कि वो जो दूसरा कबूतर है वो भी उड़े, पर वो बिल्कुल नहीं उड़ता, वो वहीं का वहीं बैठा रहता है, ना ही वो बिल्कुल भी उत्साह दिखाता है, जोश दिखाता है, जुनून दिखाता है।
तो ठीक है, राजा बहुत परेशान कि भाई हमारे मित्र ने ये दो कबूतर दिए थे और ऐसे कैसे चलेगा, एक तो बहुत ऊंचा उड़ रहा है, दूसरा बिल्कुल ही नहीं उड़ रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे कहा गया कि एक फार्मर है, यानी कि एक किसान है गांव में, जो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता है और उसे बहुत सारी तरकीबें आती हैं। तो ठीक है, राजा ने कहा उसे बुलाया जाए, मैं आज ही मिलना चाहूंगा। तो ठीक है, बिल्कुल जितनी भी इनकी सेवक थे वो सभी निकल पड़े और उस जो किसान है उसको गांव से ले आए। तो ठीक है, जैसे ही गांव से वो किसान आया तो इसने कहा कि भाई एक कबूतर है वो तो बिल्कुल भी उड़ता ही नहीं है, जो दूसरा कबूतर है वो तो महल से ऊपर तक उड़ जाता है। तो ठीक है, वो जो किसान है वो कहता है ठीक है जनाब, मैं देखता हूँ। तो ठीक है, वो बिल्कुल शाम होती है और अगले दिन सुबह वो कहता है, मतलब जो राजा है वो आता है और कहता है उस किसान से कि तो बताओ भाई कुछ हुआ क्या। तो किसान का बिल्कुल बिल्कुल हुआ, ये जो कबूतर है जो बैठा रहता था वो अब उड़ ही नहीं रहा, वो दूसरे वाले से भी ऊंचा उड़ रहा है। तो ठीक है, ये सुन के जो राजा की मुस्कान थी वो बहुत बड़ी हो गई, चेहरे पे एक बहुत ज्यादा खुशी हो गई और उसने वो उस किसान को गले लगा लिया और कहा भाई बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो किसान को ठीक है उसने बहुत कुछ दिया, पर उसके बाद उसने कहा आप कि तुम्हारे जाने से पहले मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसा तुमने किया क्या कि ये कबूतर उड़ने लगा, और उड़ने ही नहीं लगा, बहुत ही जुनून से उत्साह से उड़ने लगा। तो किसान ने कहा कि जिस डाली पे ये कबूतर बैठा था, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, जिस डाली पे ये कबूतर बैठा था वो मैंने काट दी और जब डाली नहीं रही तो वो उड़ने लगा। तो ये सुन के दोस्तों ये कहानी का जो हमें मॉरल मिलता है, जो सीख मिलती है वो ये है कि बहुत बार हम इतने ज्यादा यूज टू हो जाते हैं, हम इतने ज्यादा कंफर्ट में होते हैं, कंफर्ट जोन होता है हमारा कि हम निकलना ही नहीं चाहते, हम कोशिश करना ही नहीं चाहते। तो बहुत बार हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है कि हम एक डाल पे बैठ जाते हैं और हम वो डाल से उठ के उड़ना ही नहीं चाहते, हम नई चीज ट्राई करना ही नहीं चाहते। तो दोस्तों आपकी जिंदगी में भी कोशिश कीजिए कि वो नौबत ना आए कि किसी को आके आपकी डाल काटनी पड़े। कोशिश कीजिए कि आपको पता लगे कि आप कब पीछे रह रहे हैं और आपको कब डिसीजन लेना है, आपको एक चॉइस रखनी है, क्योंकि कभी ना कभी देर सवेर कोई ना कोई आपकी डाल जरूर काटेगा। तो बेहतर है समय से आप अपनी डाल काट दें, यानी कि आप अपना जो उड़ना चाहते हैं, जो आप नई चीजें ट्राई करना चाहते हैं वो करें, क्योंकि अपने कंफर्ट जोन से निकलना बिल्कुल जरूरी है। तो दोस्तों डिसीजन मेकिंग पे ये बहुत ही पावरफुल एक कहानी थी, मॉरल मुझे लगता है आपको मिल गया होगा। अगर आपके पास भी कोई कहानी इस थीम से रिलेटेड जरूर शेयर कीजिए, आई विल डेफिनेटली मेक इट अ पार्ट ऑफ दिस इंस्पिरेशनल राइट। तो अभी के लिए ले लेते हैं छोटी सी ब्रेक, पर बने रहिए बिकॉज ऑफ सीरीज ऑफ सेगमेंट्स आर वेटिंग फॉर अस। स्टे ट्यून्ड, यू आर लिसनिंग टू इंस्पिरेशनल विंग सीजन 5 एपिसोड 11 विद दिव्या शर्मा। मुझसे भी बातें दो, महर महर मेहरबानी खुद ही समझ के मुझे समझा दे दो, महर महर मेहरबानी हो मेहरबानी जो दिल दे जुबानी कह दे वो जो ना कभी कहा है, ऐसे तेरा मैं जैसे मेरा तू, ऐसे तेरा मैं जैसे मेरा तू।
बस में ना मेरे अब ये रहा है तुझसे आके दिल ये जो रुका है ऐसे तेरा मैं जैसे मेरा तू तेरा मैं जैसे मेरा तू जो तेरा मैं तो दोस्तों नाउ वी आर इन द सेगमेंट ऑफ एन इंस्पिरेशनल पेज और आज की हमारी थीम है डिसीजन मेकिंग. तो कहीं ना कहीं ये जो थीम है ये भी आज की जो हमारी इंस्पिरेशनल पेज है यानी कि एक व्यक्ति असली जिंदगी का एक व्यक्ति जिसके पन्ने की आज हम बात करेंगे जिसके जिंदगी के एक पहलू की हम बात करेंगे वो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग से भी बिल्कुल तालमेल खाएगा. तो चलिए देखते हैं कि क्या है आज की हमारी स्टोरी. हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड. तो दोस्तों ये कहानी है एक व्यक्ति की जिसका नाम है बाबर अली. जी हाँ, बाबर अली फेमसली नोन एज द वर्ल्ड यंगेस्ट हेडमास्टर 16 ईयर ओल्ड. जी हाँ, बिल्कुल सही सुना. 16 साल का ये लड़का बाबर अली बच्चों को पढ़ाता है. इसका जो एक एम है वो है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एजुकेशन देना, प्रोवाइड एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड इन हिज विलेज. जी हाँ, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ही अटेंड्स स्कूल इन द मॉर्निंग एंड कम्स होम टू अनंत शिक्षा निकेतन. जी हाँ, ये दिन में सुबह के समय में स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है और पढ़ाई के बाद दोपहर और शाम को अनंत शिक्षा निकेतन है, स्कूल खुला हुआ है इसने, वहां पे ये 800 बच्चों को पढ़ाई करवाता है. तो ये कहानी आ रही है वेस्ट बंगाल से जहाँ पे ये लड़का ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता है अपने विलेज में. सो 800 से ज्यादा स्टूडेंट्स ये पढ़ाता है और स्कूल हैज बीन रिकग्नाइज्ड बाय द बंगाल स्टेट गवर्नमेंट एंड अलाउज स्टूडेंट्स फ्रॉम हियर टू माइग्रेट टू द अदर स्कूल्स आउट ऑफ द विलेज फॉर हायर एजुकेशन. जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि जो बंगाल स्टेट गवर्नमेंट है वो इसके स्कूल को बिल्कुल रिकग्नाइज करती है और यहाँ से जो बच्चे हैं आगे दूसरे स्कूलों में भेजे जाते हैं विलेज से बाहर. तो ये बहुत ही एक बड़ी बात है. देयर मे नॉट बी डेस्क और अ रूफ फॉर दीज स्टूडेंट्स इन द विलेज बट दे रश टू द बैकयार्ड ऑफ बाबर अलीज होम एवरी आफ्टरनून आफ्टर द बेल साउंड्स फॉर द क्लासेस टू बिगिन. बिल्कुल खूबसूरत थी, मतलब बहुत ही खूबसूरत चीज है ये कि बाबर अली 16 साल की उम्र में 12वीं में पढ़ते हुए भी
अपनी पढ़ाई के बाद आफ्टरनून और इवनिंग में वेस्ट बंगाल में एक विलेज में आनंद शिक्षा निकेतन में पढ़ाते हैं, 800 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाते हैं और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने भी रिकग्नाइज किया है ये स्कूल और यहाँ के बच्चों को आगे हायर एजुकेशन के लिए विलेज से गांव से बाहर भेजा जाता है। तो एक बहुत ही बड़ा सैल्यूट है बाबर अली के लिए, इनकी डिसीजन मेकिंग ये है कि इन्होंने ठान लिया कि हाँ मुझे पढ़ाना है तो चाहे जैसे भी पढ़ाना है पढ़ा रहे हैं, जो कर सकते हैं अपने पार्ट पे कर रहे हैं। तो ये एक असली कहानी है, अगर आपको इनके बारे में और जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं बाबर अली वेस्ट बंगाल, जो कि जाने जाते हैं फेमसली नोन एज द वर्ल्ड्स यंगेस्ट हेडमास्टर। तो दोस्तों ये कहानी, ये एक एन इंस्पिरेशनल पेज फ्रॉम द लाइफ ऑफ बाबर अली। तो कैसा लगा आपको ये इंस्पिरेशनल पेज मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी है कोई इंस्पायरिंग स्टोरी, यानी कि कैसे व्यक्ति की असली कहानी जो बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर रहा है चाहे एक इंसान की जिंदगी में क्यों ना कर रहा हो, जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अभी के लिए लेते हैं छोटी सी ब्रेक, बने रहिए क्योंकि ये राइड चल रही है और बहुत से सेगमेंट हमारा इंतजार कर रहे हैं इस ब्रेक के उस पार। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग। ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं। ये मैं नहीं, ये वो दोनों कहते थे, और कहते क्या थे, करते थे, और ऐसा करते थे जैसा ना किसी ने किया और ना शायद कोई कर पाएगा। छोटे छोटे शहरों से खाली बोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले, बारिश कम कम लगती है, नदियां मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। छोटे छोटे शहरों से खाली बोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले, बारिश कम कम लगती है, नदियां मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। ओ हो हो, हम चले, हम चले ओए रामचंद्र, हम चले, हम चले ओए रामचंद्र। धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 कीर्ति बजाए रे, लिखना है चांद से होकर सड़क जाती है, उसी पे आगे जाके अपना मकान होगा। चांद से होकर सड़क जाती है, उसी पे आगे जाके अपना मकान होगा। हम चले ओए रामचंद्र, हम चले ओए रामचंद्र। छोटे शहरों से खाली बोर दोपहरों से हम तो झोला उठा
Radio Udaan, a flight of life. www.radioudaan.com. Now we are in the segment of thoughts, quotes, lines and sayings. जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने. आज की हमारी जो थीम है वो है डिसीजन या चॉइस बनाना. तो चलिए इसी से रिलेटेड होंगे आज के हमारे थॉट्स. हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड. इंग्लिश हिंदी दोनों में हम बात करेंगे. स्टे पॉजिटिव. द फर्स्ट थॉट फॉर द इवनिंग इज अनसक्सेसफुल पीपल मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन देयर करंट सिचुएशन. Successful people make decisions based on where they want to go. जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत thought कि जो unsuccessful लोग हैं वो अपने decision बनाते हैं कि उनका आज क्या है, उसके हिसाब से decision लेते हैं. पर जो successful लोग हैं वो decision लेते हैं based on where they are going या फिर where they want to go, जहाँ वो जाना चाहते हैं उस चीज को दिमाग में लेके वो decision लेते हैं. तो चलिए, the second thought for the evening is don't base your decisions on the advice of those who don't have to deal with the results. जी हाँ, बहुत ही important thought है ये. Don't base your decisions on the advice of those who don't have to deal with the results. मतलब अगर आप कोई decision लेते हैं अपनी जिंदगी में तो वो उसके जो consequences है, जो उसके results है वो आप ही भुगतेंगे. तो अगर कोई और decision ले रहा है आपके लिए तो ध्यान में रखिए कि वो नहीं भुगतेगा, आप भुगतेंगे कॉन्सिक्वेंसेस. सो बेटर है कि आप अपनी जो डिसीजंस हैं वो खुद लीजिए, क्योंकि आपको ही आगे उसके रिजल्ट्स भुगतने हैं. सो डोंट बेस योर डिसीजंस ऑन द एडवाइस ऑफ दोज हु डोंट हैव टू डील विद द रिजल्ट्स. द थर्ड क्वोट फॉर द इवनिंग इज गुड डिसीजंस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड डिसीजंस. जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत थॉट है ये कि जो आपके गुड डिसीजन है, जो आप अच्छे डिसीजन लेते हैं वो एक्सपीरियंस से आते हैं एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड डिसीजन. और जो एक्सपीरियंस है वो आता है बैड डिसीजन से. तो चलिए, द नेक्स्ट थॉट फॉर द इवनिंग इज यू आर ओनली वन डिसीजन फ्रॉम अ टोटली डिफरेंट लाइफ. जी हाँ दोस्तों, यू आर ओनली वन डिसीजन अवे फ्रॉम अ टोटली डिफरेंट लाइफ. कि कई बार क्या होता है, अगर आप एक छोटा सा डिसीजन ले लें, चॉइस ले लें, तो उसके बाद आपकी जिंदगी पूरी बदल जाती है. तो कई बार क्या, बहुत बार ऐसा होता है कि एक डिसीजन लेने से आपकी जिंदगी पूरी बदल जाती है. सो यू आर ओनली वन डिसीजन अवे फ्रॉम अ टोटली डिफरेंट लाइफ. तो चलिए, द नेक्स्ट थॉट फॉर द इवनिंग इज इन द एंड वी ओनली रिग्रेट द चांसेस वी डिडंट टेक एंड द डिसीजंस वी वेटेड टू मेक. जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत थॉट की अंत में क्या है कि हम रिग्रेट करते हैं जो हमने चॉइसेस नहीं ली, जो चांसेस नहीं लिए, रिस्क नहीं लिए, और हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि हमने डिसीजन क्यों डाले, क्यों हमने कल पे डाला कि हाँ हम डिसीजन लेंगे, कल लेंगे, तो हमने क्यों उन्हें आगे प्रोक्रेस्टिनेट किया. सो इन द एंड वी ओनली रिग्रेट द चांसेस वी डिडंट टेक एंड द डिसीजंस वी वांटेड टू मेक. तो चलिए, द नेक्स्ट थॉट फॉर द इवनिंग इज sometimes it's the smallest decisions that can change your life forever. जी हाँ, बहुत बार क्या, हमेशा ही कह सकते हैं कि छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटे छोटे decisions होते हैं जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं. So sometimes it's the smallest decisions that can change your life forever. तो चलिए, next thought for the evening is you don't have to defend or explain your decisions to anyone. It's your life. Live it without apologies. जी हाँ, जो आप डिसीजन लेते हैं, जो आप अपनी choices लेते हैं, वो आपको किसी को explain करने की जरूरत नहीं है कि आपने क्यों लिया, आपने decision क्यों लिया, क्योंकि आपकी जिंदगी है और आपको ये जीना है, वो भी बिना किसी apologies के. So you don't have to defend or explain your decisions to anyone. It's your life. Live it without apologies. तो चलिए, द नेक्स्ट थॉट एंड द लास्ट थॉट फॉर द इवनिंग इज अ वाइज मैन मेक्स हिज ओन डिसीजंस एंड इग्नोरेंट मैन फॉलोज पब्लिक ओपिनियन. जी हाँ, ये एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि अ वाइज मैन मेक्स हिज ओन डिसीजंस एंड इग्नोरेंट मैन फॉलोज पब्लिक ओपिनियन. जो एक वाइज समझदार इंसान है वो अपने डिसीजन खुद लेता है, और जो एक मतलब जो एक स्टूपिड व्यक्ति है वो सबकी जो लोग ज्यादा कह रहे हैं उसकी तरफ अपना डिसीजन ले लेता है. सो
तो चलिए एक और भी थॉट ले लेते हैं आज के सेगमेंट में, और वो है यू एंड यू ओनली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ चॉइसेस एंड डिसीजंस। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत थॉट, यू एंड ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ चॉइसेस एंड डिसीजंस। जो भी आप डिसीजंस लेते हैं, जो भी आप चॉइसेस चूज करते हैं, वो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप ही लेंगे, सो कोई और नहीं ले सकता। तो दोस्तों, दीज वर द थॉट्स फॉर दिस इवनिंग, और ये सभी रिलेटेड टू थे डिसीजन मेकिंग या फिर जो हम चॉइसेस लेते हैं। तो चलिए, कैसे लगे ये आपको थॉट्स जरूर बताइएगा। अगर इफ यू टू हैव एनी थॉट्स थॉट लाइंस डू शेयर विद मी एंड आई विल डेफिनेटली मेक देम अ पार्ट ऑफ दिस इंस्पिरेशनल राइट। तो बने रहिए, मैं लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, लौटूंगी तुरंत उस पर। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव।
Radio U, a flight of life. www.radioudaan.com. तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द सेगमेंट ऑफ टिप्स। जो आज की हमारी थीम है वो है डिसीजन मेकिंग या चॉइसेस। तो चलिए, आज के जो हमारे टिप्स होंगे वो होंगे कि कैसे अपने डिसीजन कैसे लें, चॉइसेस कैसे बनाएं। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने डिसीजन ले ही नहीं पाते, तो चलिए हो सकता है ये जो 6 टिप्स है वो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल लगे। हैप्पी लिसनिंग, दीज आर द टिप्स विच विल बी इन इंग्लिश। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड। The first tip for the evening is go with your gut. Yes friends, it's true. You should always go with your gut. If after hours of understanding or thinking or thought process, you are ending up with no results, no outcomes, no decisions, then it is time that you go as per your gut. Ji ab bahut baar aisa hota hai. Mostly it happens whenever you think you don't get to a conclusion. But if you think about your gut, what type of gut you are getting? Intuition. What is the intuition? So that, believe me, intuition is always correct. If you hear it, if you try to concentrate, then your gut will always lead you to the right decision. So go with your gut. The second tip for the evening is sleep on it or take a nap. Yes friends, it might sound little pathetic or stupid or nonsense, but it makes sense. Sleep on it or take a nap. If you are really stressed, what to do, whether to do it, not to do it, whether to go there, not to go, whether to talk to her or him or not, or blah 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 and blah, and you have to make a decision, but so pressurized that you're unable to make a decision, then it is a time that you take a short nap or just sleep. If it's night, sleep. And in the morning, you will have a clear mindset. Believe me, it is going to work for sure. If it's afternoon or morning, it will be great if you take a short nap. Because when we sleep, our subconscious mind works. And it works without our influence. So believe me, next time whenever you are finding it really difficult to make a decision, take a nap, sleep for some time, and when you will wake up, you will have a clear picture of what you want to do and what should be done. So it is all about sleep on it or take a nap. So chaliye, the third tip for the evening is stress-free environment. Yes friends, this is really important. Sometimes what happens is we are so stressed and we are packed up with so much of pressure, burdens, blah blah and blah. So it is time that you find out some stress-free environment for you. What you can do is, you can do three things. First of all, you can go out for a walk. Yes friends, if you are going out for a walk, it will give you some fresh air. You will get some free environment. The second thing is, you can do some, just sit for some time in an empty room and do think about, or maybe not think about anything, and it will definitely help you in making a decision. The third thing is, under stress-free environment, is you should try to listen to some good music. Sometimes we are so stressed, but when we listen to our good, ya fir our filtered music, we feel fresh, we feel energized, and we get some sort of comfort. So stress-free environment is very important to make a decision. Make sure you are not trying to make a decision under pressure. Of course, mostly in office settings, it is often seen that you have to make a decision under so much of pressure. But therein, what you can do is, you can go to washroom, spend 10 minutes there, just give your mind some rest, and it is going to work for you. Because washroom would be the stress-free environment in an office. So chaliye, the fourth tip for the evening is, talk to your trusted people. Yes friends, when I'm saying this, I'm saying only the trusted people. If you really want to make a decision and you are finding it really difficult, really challenging, then it is time that you ring up your best buddy. Your mother, your father, your brother, your sister, your uncle, your aunt, or maybe your teacher or mentor. A person whom you can trust with all your heart and mind. So talk to your trusted people,
discuss with them and they might give you some powerful insights, and on the basis of that and your understanding, you can make a decision. So, chaliye, the fifth tip for the evening is, well, don't discuss it with everybody. Yes, friends, fourth tip was talk to your trusted people. The fifth tip is don't discuss it with everyone. Most of the people have a mentality of discussing their things with so many people. Whoever is coming in contact with them, they are discussing it with them. Well, it is not going to help you ever. What you have to do is you have to stay away from the habit of discussing it with everyone. So, believe me, when you stop discussing the things with everybody, you will definitely get to a decision or choice making. So, chaliye, the sixth and the last tip for the evening is long-term consequences. Yes, friends, often there are situations where we see the immediate results, the immediate fruits, the immediate outcomes. But believe me, if you're finding it difficult to take a decision on that, then it is the time that you think about the long-term consequences. You have to think about the things that might be impact, might get influenced in a year or maybe longer. So, believe me, long-term consequences can sometimes help you in making a decision in present. So, these were the six tips for this evening. The first tip was go with your gut feeling. The second tip was sleep on it or take a nap. The third tip was stress-free environment. The fourth tip was talk to your trusted people. The fifth tip was don't discuss it with everyone. The sixth and the last tip for the evening was long-term consequences. So these were six powerful tips to help you in making decisions. तो दोस्तों कैसे लगे ये टिप्स जरूर बताइएगा, और अगर आपके पास भी है कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स दैट कैन हेल्प पीपल इन मेकिंग देयर डिसीजंस, डू शेयर विद मी. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अरे भाई, ऐसी चीजों में वेट नहीं करना, जरूर भेजिए, जरूर बनाऊंगी मैं आपके स्टफ को इस शो का हिस्सा. तो अभी के लिए ले लेते हैं छोटी सी ब्रेक, पर बने रहिए क्योंकि मैं दिव्या शर्मा बिल्कुल लौटूंगी इस छोटी सी ब्रेक के उस पार. यू आर लिसनिंग टू इंस्पिरेशनल विंग सीजन 5 एपिसोड 11.
Radio U, a flavor line. www.radioudaan.com. So, dosto, now we are in the last segment of this 11th episode of Inspirational Wing Season 5. Aaj ki hamari jo theme thi, wo thi decision making ya fir koi choice karna, to choose karna kuch. To ye decision making pe aaj ki hamari theme thi. Kaisi lagi aapko, zarur aapne share kijiyega views. Aur agar aapke paas koi feedback hai, ideas hai, suggestions hai, advice hai, ya aap kuch bhi baat apni rakhna chahte hain, zarur rakhiye. Ye show aapka hi hai, to aap भेजने के लिए अपने व्यूज हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.radioudaan.com. आप फेसबुक पे हमारा पेज लाइक कर सकते हैं, वहां भी ड्रॉप इन कर सकते हैं अपने व्यूज. फेसबुक यूआरएल है www.facebook.com/radioudaan. स्काइप आईडी हमारा रेडियो उड़ान RADIOUDAAN. साथ ही ट्विटर आईडी है रेडियो उड़ान और ईमेल आईडी है mail@radioudaan.com. और मेरा यानी कि दिव्या शर्मा का पर्सनल स्काइप आईडी है divya31s divya31s. जो मेरा ईमेल आईडी है वो है divya31pens divya31pens@gmail.com. तो दोस्तों मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि ट्यूसडे 9 to 10 PM एंड रिपीट वेनेसडे 4 to 5 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. तो बने रहिए आप रेडियो उड़ान की बिल्कुल फ्लाइट पे और मैं दिव्या शर्मा मिलूंगी नेक्स्ट वीक. तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत, दिव्या शर्मा डायरेक्ट फ्रॉम एनंगल स्टूडियो पंजाब इंडिया. तो उम्मीद है मुझे कि आज के इस एपिसोड के बाद आपको डिसीजन लेने में इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी. तो चलिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड लक. अखां खुलियां नूं महबूब दिसे, अखां बंद होवण तां हुजूर
ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਮਾਰ ਸਾਈ ਸਰਤਾਜ ਵੀ ਖੜਾ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਤੇਰੇ ਤਾਈ ਸਾਈ ਵੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਈ ਸਾਈ ਵੇ ਮੇਰਿਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਈ ਸਾਈ ਵੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇ ਤੂੰ ਆਈ ਸਾਈ ਵੇ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਤੇਰੇ ਤਾਈ ਸਾਈ ਵੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਈ ਸਾਈ ਵੇ ਮੇਰਿਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਈ ਸਾਈ ਵੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇ ਤੂੰ ਆਈ ਸਾਈ ਵੇ ਫੇਰਾ ਮਸਕੀਨਾਂ ਵੱਲ ਪਾਈ ਸਾਈ ਵੇ ਬੋਲ ਖਾਕ ਸਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਗਾਈ ਸਾਈ ਵੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਈ ਸਾਈ ਵੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਟਾਈ ਸਾਈ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਕਾਈ ਸਾਈ ਵੇ ਡਿੱਗੀਏ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾਈ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਈ ਸਾਈ ਵੇ ਸਾਧ ਰੁੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਮਨਾਈ ਸਾਈ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਦ ਵੀ ਰਣਾਈ ਸਾਈ ਵੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਤੂੰ ਕਰਾਈ ਸਾਈ ਵੇ ਕੰਨੀ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸਾਈ ਵੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਸਾਈ ਵੇ ਨਗਮੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਗਾਈ ਸਾਈ ਵੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚ ਅਸਰ ਵਸਾਈ ਸਾਈ ਵੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਵੇਲ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਸਾਈ ਵੇ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਈ ਸਾਈ ਵੇ ਇਸ਼ਕੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਚੜਾਈ ਸਾਈ ਵੇ ਸੈਰ ਤੂੰ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਸਾਈ ਵੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਸਾਈ ਵੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗਰਾਂ ਨਚਾਈ ਸਾਈ ਵੇ ਅਸੀਂ ਸੱਜ ਬੈਠੇ ਚਾਈ ਚਾਈ ਫੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਫੜਾਈ ਸਾਈ ਵੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਸਾਈ ਵੇ ਨੇਰਿਆਂ ਚ ਪੱਲੇ ਨਾ ਛੁਡਾਈ ਸਾਈ ਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਚੁਕਾਈ ਸਾਈ ਵੇ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਚ ਉਡਾਈ ਸਾਈ ਵੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਦਾਗ ਵੀ ਤੋਂ ਆਈ ਸਾਈ ਵੇ ਛਿੱਲੇ ਛਿੱਲੇ ਨੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਈ ਸਾਈ ਵੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਮਹਿਕਾਈ ਸਾਈ ਵੇ ਬਸ ਪੱਟੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੜਾਈ ਸਾਈ ਵੇ ਪਾਕ ਸਾਫ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਈ ਸਾਈ ਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਾਈ ਸਾਈ ਵੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮੋਂ ਘੂਰ ਕੇ ਹਟਾਈ ਸਾਈ ਵੇ ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੇ ਚ ਮਿਲਾਈ ਖੜੇ ਨੂੰ ਪਰਾਈ ਸਾਈ ਵੇ ਗੁੰਬਦ ਗਰੂਰ ਦੇ ਗਿਰਾਈ ਸਾਈ ਵੇ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਹੌਸਲੇ ਪਖਾਈ ਸਾਈ ਵੇ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚ ਮੰਗਵਾਈ ਸਾਈ ਵੇ ਆਪੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਈ ਸਾਈ ਵੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਹੀ ਬਿਠਾਈ ਸਾਈ ਵੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੰਗ ਚ ਰਗਾਈ ਸਾਈ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਾਂ ਸਾਈ 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 ਵੇ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦੀ ਰਚਾਈ ਸਾਈ ਵੇ
मेरा तुम्हारा दीवारी हो जाए साई वे अनहद नाद तुम जाए साई रूहानी कोई तार छेड़ जाए साई वे सच्ची सरताज ही बनाई